हेलो फ्रेंड्स, माय इंडियन किचन में आप सबका स्वागत है। मैं उज्ज्वला। आज हम बनाने वाले हैं उड़द के बड़े। उड़द की दाल के बड़े सभी के पसंदीदा होते हैं। नॉर्मली इन्हें घर में लोग बनाना अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे या बिगड़ जाएंगे। कैसे पीसनी है दाल, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही इजी है। इसे आराम से आप बना सकते हैं घर पे। तो चलिए देखते हैं इनके लिए लगने वाली सामग्री। 2 कटोरी उड़द की दाल भीगी हुई है 4 से 5 घंटे, 1/2 कटोरी ताज़ा नारियल कटा हुआ, 2 चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और स्वादानुसार नमक, और बड़े तलने के लिए तेल। सबसे पहले उड़द की दाल लेनी है। 2 कटोरी दाल लें और उसे धो लें अच्छी तरह से। उसके बाद 4 से 5 घंटे भीगने दें। और इसके बाद जब आप दाल भिगोएंगे तब उसे बहुत देर तक भिगोएं, और बाद में जब पेस्ट बनाएंगे उसे ज्यादा देर तक ना रखकर 1 ही घंटा रखें। अगर आपने ज्यादा देर तक उसे भिगा के रखा तो आपके जो बड़े हैं वो मुलायम हो जाएंगे, इसीलिए पेस्ट बनाने के बाद इस बात का ध्यान रखें कि बस 1 से 2 घंटा रखें। तो दाल हमने भिगा ली है 5 घंटे के लिए। इसे मैं मिक्सी में डाल रही हूँ। थोड़ी थोड़ी मात्रा में लीजिए और पीसिए इसे। इसके बाद थोड़ा सा पानी, मतलब दाल डूबे इतना पानी, इतना ही पानी लेके आप पेस्ट बनाइए क्योंकि बड़े का मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए। पूरी तरह से बारीक पेस्ट बनानी है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये मिक्सचर जो है गाढ़ा रहना चाहिए। अब ये पेस्ट बन चुकी है। इसके बाद 1 से 2 घंटा इसे ऐसे ही रहने दें, उसके बाद ही हम बड़े बनाएंगे। अब हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से पिस गया है, मतलब पेस्ट अच्छे से बन गई है। इस बात का ख्याल रखें कि दाल जो है वो 4-5 घंटा भिगानी है, लेकिन पेस्ट बनने के बाद इसे सिर्फ 1 या 2 घंटा बाहर रखें। तो मैंने 1.5 घंटा इसे ऐसे ही रखा था। इसमें स्वादानुसार नमक डालती हूँ, 2 टेबलस्पून चावल का आटा, इससे ये क्रिस्पी बनते हैं, और ताजे नारियल के टुकड़े, हरी मिर्च के टुकड़े और 1 चम्मच जीरा। ये सब कुछ डाल के हमें इसमें मिक्स करना है। इसके बाद मैंने गैस पर कढ़ाई रखी है, उसमें तेल डाला है, तो तेल गरम होने दीजिए, तब तक इसे आप मिक्स कर लें। जितना हो सके उतना कम से कम पानी में ये आप पीसें। इससे क्या होगा, ये थोड़ा गाढ़ा बनेगा। ज्यादा इसमें पानी ना डालें, इस बात का ख्याल रखें। बड़े तलते समय बीच में एक छेद बनाना पड़ता है जिससे चारों तरफ से ये अच्छे से तले जाते हैं। अब मिक्स हो चुका है, मैंने थोड़ा सा पानी हाथ पे लगाया है। अब इसका गोला बनाते हैं। चावल का आटा इसलिए मैंने डाला है कि जो इसका चिपचिपापन है वो कम हो जाता है। थोड़ा सा पानी का हाथ लगाकर इस तरह से इसमें छेद बना लें। इसको और दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। इसका एक सांचा मिलता है, उसमें आप ये मिक्सचर भर दें तो अपने आप ये बड़ा तेल में छोड़ सकते हैं आप। इसमें आप चावल का आटा जरूर डालें, मतलब जो चिपचिपापन होता है वो बिल्कुल भी नहीं लगता है, मतलब बड़े बनाते समय आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। नमक डालने के बाद थोड़ा सा पानी छूटता है, इसलिए सबसे बाद में आप इसमें नमक डालें। इस बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि पहले से नमक डालकर बिल्कुल ना रखें। अगर गलती से पानी इसमें ज्यादा पड़ गया हो तो आप इसमें चावल के आटे का अनुपात बढ़ा सकते हैं और गाढ़ा बना के इसे बना सकते हैं। अब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना है। अब धीरे धीरे सुनहरा कलर आने लगा है।
पूरी तरह से ऐसे उलट पलट के अच्छे से तल लें। बहुत ज्यादा देर तक इन्हें तेल में नहीं रहने देना, नहीं तो ये कड़क बनते हैं। निकालने के बाद थोड़ी देर टिश्यू पेपर पर रख दें, मतलब तेल जो है एक्स्ट्रा तेल वो निकल जाएगा। कम से कम 10 मिनट रखें, उसके बाद चटनी या सांबार के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। बड़े अच्छे से सुनहरे हो गए हैं, ये टिश्यू पेपर पे मैंने निकाल के रखा है, जिससे क्या है कि एक्स्ट्रा तेल निकल चुका है इनका और बड़े बहुत ही क्रिस्पी लगेंगे। इसमें हमने चावल का आटा डाला है, इसमें नारियल डाला है, इसमें मिर्ची डाली है। इसे आप टोमेटो सॉस के साथ खा सकते हैं या सांबार होता है साउथ इंडियन, उसके साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए सर्व करते हैं। तो लीजिए, तैयार है उड़द के बड़े। ऐसे ही विविध प्रकार की रेसिपीज देखने के लिए आप माय इंडियन किचन को सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट्स हो आपके पास तो प्लीज हमें कमेंट्स भेजें।